एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फोन पे फेल ट्रांजेक्शन। इस टॉपिक पर आपके कई सारे कमेंट्स मिले हैं और आज मैं पूरी तैयारी के साथ पूरे रिसर्च के बाद आया हूं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फोन पे फेल ट्रांजेक्शन में हमारा पैसा जब कट जाता है, अकाउंट से बैलेंस कट जाता है, तो उसका रिफंड कैसे हम प्राप्त करें। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप अपने पास एक अधूरी जानकारी रखेंगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि समस्या क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम एक रिफंड एप्लीकेशन को लिखकर उसको सबमिट कर सकते हैं, और रिफंड एप्लीकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे जरूरी बात क्या है उसको भी जान लेना जरूरी है। नहीं तो बिना उस पॉइंट के वो रिफंड एप्लीकेशन पूरी तरह से बेकार है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या क्या है। देखिए, जब हम फोनपे ऐप में ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी कभी होता यह है कि हमारा अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है लेकिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या जो भी हो, नेट प्रॉब्लम की वजह से, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, सामने वाले को पैसे पहुंचते नहीं है और लेकिन हमारा अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब फोनपे को कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहां से हमें रिप्लाई मिलता है कि आप अपना बैंक में कॉन्टैक्ट करें और वहां पे चार्जबैक के लिए अप्लाई करें। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम बैंक ब्रांच में जाते हैं और चार्जबैक फॉर्म के लिए वहां पर बात करते हैं तो वहां से हमें रिप्लाई मिलता है कि फोन पे फेल ट्रांजेक्शन के लिए ऐसा कोई चार्जबैक फॉर्म है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हम एक रिफंड एप्लीकेशन अपनी तरफ से लिखकर उसको बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं। अगर बैंक ब्रांच में हमें सही रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है तो हम इस रिफंड एप्लीकेशन को ईमेल के माध्यम से भी बैंक को सेंड कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इस रिफंड एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। एप्लीकेशन के टॉप लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बैंक का नाम और ब्रांच का नाम। राइट हैंड साइड में यहाँ पर डेट लिख देना है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे फोन पे फेल ट्रांजेक्शन रिफंड एप्लीकेशन। उसके बाद आगे रेस्पेक्टेड सर, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ डैश ब्रांच, माय अकाउंट नंबर इज डैश। तो यहाँ पर आपको जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑन डेट डैश आई ट्राइड टू मेक ए ट्रांजेक्शन ऑफ डैश फॉर डैश। तो यहाँ पर देखिए किस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया था वो डेट यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन था, और फॉर डैश जो यहाँ पर हमने लिखा है तो ये ट्रांजेक्शन आपने क्यों किया था, यानी कि किस पर्पज से किया था। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या फिर IRCTC टिकट बुकिंग या फिर मोबाइल रिचार्ज, जो भी था वो यहाँ पर आप इसको संक्षेप में लिख सकते हैं विथ फोनपे ऐप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रांजेक्शन कुड नॉट बी कंप्लीटेड बट द अमाउंट वॉज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। यहाँ पर आप कुछ एडिशनल डिटेल्स अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि उस टाइम में इंटरनेट फेल्योर हुआ था या क्या हुआ था। अगर एग्जैक्टली आप कुछ डिटेल बताना चाहते हैं यहाँ पर तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक लिखकर इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे द ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर इज डैश। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर अगर हम यहाँ पर सही से बता देंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जाएगा और उसके बाद हमें रिफंड मिलना जो है आसान हो जाएगा। तो जैसे ही हम फोनपे ऐप में किसी भी ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं तो एक विंडो ओपन होता है जिसमें देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है बैंक का लोगो है, डेबिटेड फ्रॉम लिखा हुआ है, बैंक का लोगो है, अकाउंट नंबर है और उसके नीचे UTR लिखा हुआ है और उसके बाद एक 12 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। तो UTR के बाद जो नंबर लिखा है यही यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर में हमें लिखना है। ये UTR यानी यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। तो ये ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे आई हैव नॉट येट रिसीव्ड द रिफंड अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, काइंडली डू द नीडफुल योर्स फेथफुली। यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है, नाम लिख देना है, एड्रेस, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देना है। तो इस तरह से हम एक रिफंड एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस अगर आप इसका एक PDF कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को हिंदी में लिखना है, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने हिंदी कॉपी भी इसका रेडी किया हुआ है। तो अभी हम इस पर अलग से वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप इसका हिंदी वर्जन का PDF डाउनलोड भी हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और आप अपना अनुभव जो है, अपना प्रॉब्लम जो है, वो ईमेल के माध्यम से भी हमें सेंड कर सकते हैं।
और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।